লজ্জা লাগে না আপনি আমার আপনার লজ্জা এটা খোলেন এটা খোলেন 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 ভাই গ্যাস লাইট আছে ছিলেন ছিলেন উপরে উঠান মজা কিসে বাংলাদেশ পাইছি আমরা সেই পাকিস্তান চলে আসতি না আপনারা কি বলেন উত্তম মধ্যম দিবেন আপনি ক্লিয়ারলি দেখ লিয়া কি বাংলাদেশ কা এক ফ্যান পাকিস্তান কি টি শার্ট পহনে হুয়ে বাংলাদেশি কো মতলব উসসে ও টি শার্ট উতার পাই ওর উসপে প্যার রাখওয়া রাহা ওর শায়দ 3 মিলিয়ন ওর এসে কুছ ওয়ার্ড ইউজ কি হ্যায় জো কি বঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ মে হ্যায় জো কোই বঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ জো ভি ব্যক্তি সমঝ সকতা হ্যায় ও ডেফিনেটলি ইয়ে সমঝ গিয়া হোগা কি বাত কিয়া কর রাহা হালাঁকি মে ইতনা সমঝাউ কি ওহি 1971 বালি কুছ হিস্ট্রি কি বাতে হো রহি হ্যায় আপকো এক বাত বাতা দূ কি পাকিস্তান কি টিম কো বাংলাদেশ মে ভরপূর্ণ সমর্থন মিল রাহা হ্যায় ওর ইসকো লেকার জো বাংলাদেশ কে অ্যাকচুয়াল বঙ্গালি স্পিকার হ্যায় जो वो बंगाली की बात नहीं कर रहा हूँ जो बंगाली हाल ही में 10-20 साल में सीखे हुए हैं जो एक्चुअल बंगाली स्पीकर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये बिहारी हैं जो कि बेसिकली 1947 में पाकिस्तान का सपोर्ट किए थे और मतलब वहाँ से बेस्ट पाकिस्तान दूर पड़ रहा था तो वो ईस्ट पाकिस्तान में आकर रुक गए और इन्होंने 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया और पाकिस्तान इन्हें वापस नहीं ले गया। आप डालें बंगाली बिहारी पाकिस्तान 1971 गूगल या यूट्यूब में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके पीछे उनका वो मतलब लॉजिक है बांग्लादेशी जो सपोर्टर हैं एक्चुअल बंगाली हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बांग्लादेश में एक और घटना हुई थी जिसमें कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के फ्लैग लगा रहे थे मतलब उनका कैंप कोचिंग स्टाफ जब वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे या वो प्रैक्टिस सेशन या वार्म अप कर रहे थे उससे पहले तो उसको लेकर भी एक बहुत कंट्रोवर्सी बनी और इसमें बांग्लादेश के मिनिस्टर का भी कुछ बयान आया। आप देखेंगे आगे आलिया जी इस बारे में बात कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों पहले पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। कह लीजिए कि इन्होंने अपनी रूटीन ये रखी है। वैसे भी हमारे जहनों में तो वो फैंटेसी है ना, आप जानते ही हैं कि हमारा झंडा जो है वो पूरी दुनिया में लहराएगा, पूरी दुनिया में गाड़ा जाएगा, सबको फतह करना है और सबके ऊपर हमने हुक्मरानी करनी है। लेकिन ये जो है ये क्रिकेट टीम की ये जो रूटीन है ये इसका स्टार्ट किया था सकलैन मुश्ताक ने। और सकलैन मुश्ताक ने ये किया कि जब भी आप ये नेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, नेट सेशन होता है यानी जो मैच होता है उससे एक दो दिन पहले से जो नेट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है उसमें ये अपने मुल्क में हो या कहीं भी, मेरा ये ख्याल है कि हर जगह, तो ये अपना जो फ्लैग है वो पहले लगाते हैं उसके बाद नेट प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। अब इन्होंने बांग्लादेश में भी यही किया कि वहाँ पर नेट प्रैक्टिस जब शुरू हुई तो अपना फ्लैग जाके लगा दिया। अब पाकिस्तान का फ्लैग देखकर बांग्लादेश के लोगों को आग लग गई और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। आप ये देखिए, इसकी वजह ये है कि वहाँ के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने तो गुस्सा दिखाई, बल्कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं हसन मुराद, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी टीम झंडे समेत वापस भेजो, रिटर्न दम बैक टू देयर कंट्री। इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया गया कि इन्होंने ये झंडा, ये फ्लैग यहाँ पर क्यों लगाया। इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये प्रैक्टिस रहती है कि वो ये काम करती है, और मैंने देखा कि ये सकलैन मुश्ताक ने ये शुरू किया था और उसके बाद से ये जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपना वहाँ पर जो है वो परचम लहराते हैं और फिर जो है वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ऐसे ही बांग्लादेश में शुरू किया। मेरा ख्याल है कि इतना सेंसिबल इंसान को होना चाहिए कि आप एक जब एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जो कभी आप ही का हिस्सा था, उसके बाद वो अलहदा हो गया और उस दौरान जो कुछ हुआ,
आप टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते रहे होंगे वो सब कुछ, और वैसे भी पूरे पाकिस्तान को, क्या पूरे बांग्लादेश को, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को मालूम है ये बात, ठीक है, उस दौरान जो कुछ हुआ। तो जब इतना सेंसिटिव मामला हो तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो सोच है वो तो ये है कि सेंसिटिव मामला ऐसा तो तब तो ज़रूरी लगाओ, बल्कि 4-6 झंडे गाड़ दो जाके वहाँ पर, ज़्यादा लगा दो ताकि मज़ीद जलन और वो हो। तो मुझे नहीं पता वहाँ पर ऐसे कुछ ख्याल था या नहीं था, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा होता है यहाँ पे, हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच के कहते हैं कि फिर तो भाई और भी लगाओ, भाई फतह करने का एक जो एक जज्बा होता है। लेकिन जाहिर है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई ऐसा इरादा होगा, उन्होंने तो जो वो करते हैं उन्होंने वो किया। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर कहते हैं जैसे ही हुआ तो वहाँ पर एक हंगामा खड़ा हो गया, एक परेशानी का आलम था, और हर कोई इस बात पे नाराज़ था, और सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कमेंट्री की गई, और नाराज़ कमेंट्री नज़र आई है जो बांग्लादेश के व्यूवर्स हैं, क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट लवर्स जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की ज़मीन पर अपना फ्लैग क्यों लगाया। बांग्लादेशी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुराद हसन ने ये कहा कि वो बहुत ही इमोशनल महसूस हुए इस मौके पर, और उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पर जब हमारे बाबाए बंगला शेख मुजीब की सालगिरह है और हम अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, उनकी आज़ादी और हमारी तरफ से फॉल ऑफ ढाका की वो 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से अपना फ्लैग यहाँ पर आकर लगाना ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सालगिरह मना रहे हैं शेख मुजीब की, और हमारी ये आज़ादी की 50वीं सालगिरह है, और पाकिस्तान आकर अपना फ्लैग लगा रहा है। इससे पता चलता है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए क्या महसूसात हैं, क्या एहसासात हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबके सामने है। इसकी वजह ये कि ये जो कुछ हुआ, फॉल ऑफ ढाका, मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, बांग्लादेश बन जाना, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आ गई, उनकी तरफ से भी कमीशन रिपोर्ट होगी, वो भी आ गई होगी, जो भी हुआ। तो इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि बांग्लादेश के लोगों के दिलों में हमारे लिए क्या एहसास आते हैं, और हमारे भी दिलों में, हम तो खैर पहले से ही उनको पसंद नहीं करते, जो कुछ हुआ 71 की बात जो की जाती है उससे पहले से ही हम तो पसंद नहीं करते, तो वरना जाहिर है जो कुछ हुआ उस दौरान भी बहुत कुछ लिखा गया, सब कुछ किया, लेकिन वो जो है हमें कितना, हमारी तरफ उनके क्या एहसास आते हैं उससे हमें ये पता चलता है। मतलब बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है ये, और मुझे इसलिए बहुत अजीब लगी ये खबर के, एक तो कि मैं ये समझती हूँ अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि इसमें गलती किसकी है। देखें, एक तो ये बात कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हम बड़ा उनसे जो है मोहब्बत करते हैं और बड़े उनको हाई प्रोफाइल में रखते हैं, बड़ा लाइमलाइट में रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, बेचारे जब हार के आते हैं तब तो हम बिल्कुल उनको बहुत उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन ये कि उनको ये सोचना चाहिए था, वो एक काफ़ी सेंसिबल सारे क्रिकेटर्स हैं, होना चाहिए अगर नहीं है तो, वहाँ पर पहुँच कर उनको ये सोचना चाहिए था कि हम जब किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, मसलन आप यूके में जाकर ये कर लें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर ये कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में वो क्लिप देखा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ भारत पे भी हो सकती थी, लेकिन भारत में टी शर्ट नहीं उतरवाई जाती, क्योंकि भारत में अगर वीज़ा अलाउ किए जाते, मान लीजिए 20,000 वीज़ा अलाउ किए जाते कि पाकिस्तानी फैंस भारत आ सकते हैं, लेकिन भारत में आकर वो 40,000 भी हो जाते तो हमें पता ही नहीं चलता। आपको समझ रहा मैं क्या इशारा दे रहा हूँ, यहाँ पर भाई बहुत सारे सपोर्टर हैं, अगर वो पाकिस्तान की टी शर्ट पहनकर पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के मैच में चले गए सपोर्ट करने, तो हम ये थोड़ी ना पूछेंगे, हमें तो वो लगेगा कि ये पाकिस्तानी है, उसी तरीके का कुछ मतलब हमें लगेगा कि ये पाकिस्तान से आया, गेटअप में आ गया अगर वो, और लैंग्वेज भी हमारी सेम है, अगर हाँ ये साउथ वगैरह में होगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन नॉर्थ में होगा तो नहीं पकड़ा जाएगा, सेंटर में होगा, महाराष्ट्र में होगा, और मतलब जो भी हैदराबाद के ऊपर जो भी राज्य है वहाँ पर होगा तो नहीं पकड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। तो बांग्लादेश में पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये लोग भी सामने आ रहे हैं और ये लोग इन लोगों के खिलाफ केस वगैरह भी कर रहे हैं। वहाँ के पुलिस कमिश्नर का एक मतलब फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ कि वो जो एंटी पाक मतलब एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने वो पोस्ट डिलीट किया। इस तरीके की कुछ न्यूज़ आ रही हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस तरीके के सपोर्ट अगर आपको भी पता है, भारत में भी हो या पाकिस्तान में भी हो या बांग्लादेश में हो, तीनों देशों की हिस्ट्री ऐसी रही है, भारत पाकिस्तान की, बांग्लादेश पाकिस्तान की, कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही चीज़ अगर इंग्लैंड में रहकर इंग्लैंड का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेगा तो उनका कोई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब समझ रहा हूँ, यहाँ की हिस्ट्री ऐसी रही है,
वहाँ की हिस्ट्री बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। मान लीजिए भाई इंग्लैंड में कोई व्यक्ति है वो पैसा लगाए हुए है ऑस्ट्रेलिया पे और ऑस्ट्रेलिया का ड्रेस पहनकर आ रहा है ग्राउंड में और सपोर्ट कर रहा है, तो उसको मतलब उसके बगल में बैठा वाला इंग्लैंड का सपोर्टर जो इंग्लैंड दोनों इंग्लैंड के नागरिक हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ के इलाके में आपको पता है, मैंने बताया आपको रीज़न, आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन।